हरे कृष्णा हरे कृष्ण लीला प्रभु की जय हरे प्रभु जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर इन बांग्लादेश आपको स्वागत है हार्दिक स्वागत है तो आपका बांग्लादेश में ये पहली विजिट है तो प्रभु वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू हियर तो यहाँ पे पहली बार आने के बाद और ये जो टेंपल हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकॉन प्रीचिंग है उसको देखने के बाद आपको आप आप कैसा फील कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के और आ, मैं साथ कहूँगा इट वॉज़ वेरी वॉम हॉस्पिटैलिटी राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग बल्कि मैं एयरपोर्ट में था इट वॉज ऑल अरेंज बल्कि मेरा यहाँ सिलहट में आना डायरेक्टली नहीं था आई वाज कमिंग थ्रू ढाका सो ढाका में भी वहाँ डिबोटीज़ आए उन्होंने मुझे प्रसाद दिया एंड देन अगेन दे मेड मी एंटर दी डिपार्चर मैं अराइवल से निकला था फिर डिपार्चर फिर से उन्होंने मेरे को एसकॉट किया सो आई कुड सी देरवर सो मच ऑफ लव एंड वाम्थ और बल्कि एयरपोर्ट में वर द एयरपोर्ट अथॉरिटीज थल्सो वहाँ पर एक तन्मय करी हुई डिवोटी थे ही वॉज़ वर्किंग देयर इन द सिक्योरिटी ऑफ द एयरपोर्ट ही ऑल्सो असिस्टेड मी उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जब पहुँचा था यहाँ पर तो डिवोटीज वाओ वाव सिलेट डिवोटीज वर डूइंग कीर्तन एंड वेरी जॉयफुल वे एवरी वन वेलकम मी तो मुझको तो यहाँ पर आकर के बहुत ही प्रेम मिला है और जहाँ तक ये बात है कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं और बाकी धर्म भी है यहाँ पर फोर्स नो डाउट लेकिन वैसे मैं अगर किसी को देखता हूँ ना किसी दूसरे दूसरे धर्म के व्यक्ति को चाहे वो इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो तो मेरे को फील ये आती है कि ना ये हमारे परिवार का ही तो है एक्चुअली ओरिजिनली देखा जाए हम सब सनातन धर्म के ही तो थे ये तो बाद में चाहे किसी ने ज़ोर दबर जबरदस्ती करके या फिर किसी परिस्थितिवश व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में चला गया ये हो गया लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए ना एक्चुअली चाहे बांग्लादेश का व्यक्ति हो या किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो एक्चुअली है तो औरिजिनली सबके सब, सब सनातनी ही हैं अब भले ही दो जनरेशन पहले तीन जनरेशन पहले दस जनरेशन पहले वो बेचारा कन्वर्ट हो गया बेचारा और उसके बाद फिर वो पुष्ट चली आ रही है तो आज वो व्यक्ति बोलते हैं मैं इस फला फला धर्म का हूँ बट एक्चुअली मैं जब देखता हूँ ना मैं किसी को तो मैं ये सोचता हूँ मेरे परिवार का ही तो है वी आर एक्चुअली सेम फैमिली इट इज़ जस्ट दैट उसके रिचुअल्स अलग हैं थोड़े से अब हो गए बिकॉज वो कन्वर्ट हो गया बेचारा तो इसलिए आज उसके रिचुअल्स थोड़े अलग हो गए और कोई तनाकशी हो गई कि भाई हमारे हम आई वे और हाई वे कुछ ऐसे लोगों ने उनके दिमाग में भर दिया और इस बात से फिर वो तनाकशी आ गई अब हम हैं या वो हैं या वो हैं या हम हैं तो कुछ ऐसा आ गया लेकिन एक्चुअली मैं किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को देखता हूँ ना स्पेशली बांग्लादेश में चलता है यार हम सेम फैमिली के तो हैं ये ये तनाव क्यों भला ये खिजन ये आक्रोश ये आँख में नफ़रत ये सब लेकिन मुझे इसके पीछे लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम लोग एक्चुअली देखा जाए हम सब प्रभु से तो आ रहे हैं भले ही प्रभु के नाम हमने अलग अलग रखे हुए हैं जैसे सूरज का नाम अलग अलग है सूर्य का नाम सूरज भी है प्रभाकर भी है निशांत कर भी है लेकिन है तो सूरज ही वो उस तरह से भले ही हमने उस प्रभु के अलग अलग नाम रखे हुए हैं नो डाउट लेकिन मेरे को ये फील आती है तो इससे मेरे को कभी वैसा नहीं आता कि नो फीलिंग ऑफ हेट्रेड और काउंटर हेट्रेड वैसा नहीं आता बट आई फील वे आई लुक एट एनी मुस्लिम और और सम अदर रिलीजन एज वेल मुझे लगता है या ओरिजिनली तो हम सब एक ही परिवार के थे अब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा तो हम लोग अलग अलग थोड़े धर्मों में आ गए और सम हमें थोड़ी सी वो फ्रिक्शन भी हो गई बट आई सी दम एज पार्ट ऑफ वन फैमिली एंड आई होप एंड प्रे कि एक दिन हम सबका आपस में प्यार बढ़े एंड दैट्स द वे आई एक्सपेक्ट सो सभी देख सकते हैं विकीपीडिया गूगल में सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में हाउ अमोघ लीला प्रभु बिकेम कृष्ण कृष्ण कॉन्शस हाउ ही बिकेम ब्रह्मचारी यू कैन ऑल यू कैन गेट ऑल ऑफ देम

हमारी फिज़िकल नीड्स भी हैं एज पर मैथ लॉस नीड हिदार की हमारी नीड्स हैं हमारी फिज़िकल नीड्स भी हैं शारीरिक आवश्यकताएं भी हैं मानसिक नीड्स भी हैं और हमारी बौद्धिक आवश्यकताएं भी हैं इन सारी नीड्स को देखा जाए ना तो ये सारी नीड अल्टीमेटली जाती है स्पिरिचुअल नीड पर तो भले कोई जवानी में आए या बुढ़ापे में आए लेकिन ये नीड को पूरा करना तो ज़रूरी है जो कि आध्यात्मिक नीड है पूरी नहीं करेंगे खोखला खोखला सा लगता है तो मैं देखा है लोगों को बड़े सफल लोग हैं खूब झंडे गाड़े उन्होंने दुनिया के अंदर लेकिन ना आज भी थोड़े से खोखले से दिखते हैं वो तो सिगरेट वगैरह फूकेंगे फाँपा फाँ कर रहे होंगे दारू वारू पी रहे होंगे पैसा बहुत है मैंने कहा अरे यार ऐसा क्यों है क्योंकि कहीं ना कहीं ना वो स्पिरिचुअल नीड को पूरा नहीं करते तो यंग एज में अगर आप इस नीड को पूरा करते हैं ना तो आपको ये जो निचले नशे हैं जिनको अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं उस खोखलेपन को पूरा करने के लिए वो निचले नशों में जाना ही नहीं पड़ता बिकॉज राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग यू गॉट दी बेस्ट टेस्ट तो कोई बोलेगा अरे लगा ले यार दो पैग लगा ले यार अरे मस्त हो जाएगा भाई एकदम सेट हो जाएगा भाई सर हम ऑलरेडी सेट हो चुके हैं इसको पी के अपसेट हो जाएंगे बल्कि तो इसीलिए हम ऑलरेडी सेट हैं तो इसलिए बचपन में ही अगर आप इसको करते हैं यंग एज में जैसे मैंने अठारह उन्नीस साल की उम्र में आई केम टू भक्ति हाल हाल ही में घाट घाट का पानी पी गया आया लेकिन मैंने देखा कि ना ये जो भक्ति है सो तो फुलफिलिंग कि आपको ये सबसे ऐसा नशा देगी कि संसारिक नशे कोई भी आपको घेर नहीं पाएंगे सेकेंड जो चीज है इससे जो आती है वो ये कि ना यू बिकम वेरी ब्रॉड माइंडेड भक्ति मेक्स यू ब्रॉड माइंडेड सो so, इससे मैं भी ब्रॉड माइंडेड हो पाया मैं चीज़ों को एक अलग लेवल पर देख पाया तो इसलिए मैं कभी छोटी छोटी चीज़ों में फंसता नहीं था अभी तो कई बार लोग छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं ऐसे कैसे बोल दिया उसने सकन ने बोल दिया कर दी मेरी देख लूंगा उसको मैं सा तेरी तो अब तो छोटी छोटी बात में मन फंस जाता है हमारा लेकिन आप जब यंग एज से भक्ति कर रहे होते हैं ना तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसते यू आर मोर फोकसड ऑन सेल्फ डेवलपमेंट लाइक राय वन शुड नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ वन शुड ग्रो थ्रू लाइफ तो ये कैसे हो पाता है इसकी बिगनिंग होती है स्पिरिचुअलिटी से वैल्यूज आती हैं यू बिकम मोर हम्बल यू बिकम ऑनेस्ट यू बिकम एम्पथेटिक यू बिकम केयरिंग ये सारी अच्छी क्वालिटीज भला कहाँ से आती हैं ये आती हैं तो भक्ति से आती हैं साथ ही ना वेन वी रीड द स्क्रिप्चर्स तो यंग एज में समझ भी आते हैं क्योंकि हमारा पढ़ाई को मोमेंटम बना होता है ना हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे मोमेंटम बना हुआ है तो इसमें भगवदीता और भागवतम भी पढ़ जाते हैं अब देखिए जो लोग भक्ति बाद में स्टार्ट करते हैं ना बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं कहते हैं क्या करें साहब स्कूल टाइम था तो पढ़ लिया करते थे अब स्कूल में बल्कि हमने चैंपियन पढ़ पढ़ के तो हमने निकाला है वो दस साल के गैस पेपर पढ़ लिया करते थे और पास हो जाया करते थे अब अब पढ़ने की आदत छूट गए जी अब आपके यहाँ कोई कितना मोटा मोटा किताब है माई गॉड भगवदगीता फिर भागवत तो अट्ठारह वॉल्यूम अरे बाप रे बातन्य चेता अरे वाह वाह हमारा आदत छूट गया जी तो लेकिन अगर आप यंग एज में ज्वाइन करते हैं ना आपकी पढ़ाई की आदत बनी हुई होती है और उसी आदत को आप आगे लेके जाते हैं देन यू कैन रीड स्क्रिप्चर्स ऑल्सो तो इसलिए यंग एज में हमको शास्त्र पढ़ना और समझना आसान होता है बिकॉज उसकी आदत है अभी साथ ही यंग एज में जब भक्ति को लेते हैं ना तो ना बुरी आदतें हमको पूरा जकड़ नहीं पाती बुरी आदतें होती हैं लेकिन ना वो अभी है अंकुर अंकुर के फॉर्म में लेकिन जैसे बड़े बड़े होते आएंगे फिर ये बुरी आदतें और गहरी होती चली जाती है और गहरी होती चली जाती है तो तब इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन अगर कोई यंग एज में भक्ति शुरू कर देता है तो उसी वजह से क्या होता है ये जो आदतें हैं इनको उखाड़ना आसान होता है बिकॉज नाउ यू गॉट द हायर टेस्ट तो इस टू फाइट विद द बैड संस्कार बैड हैबिट्स बेस्ट एज इज दिस यंग एज बुढ़ापे तक जाते जाते तो बाबू जी का मन अब कहीं और ही है जी क्या कर सकते हैं तो इसलिए पुरा बुरा जो बुरी आदतें हैं उनको भी जीतना आसान होता है ये अनदर बेनिफिट है बाकी देखिए मृत्यु कहीं भी आ सकती है कोई सोचे मैं बुढ़ापे में करूँगा सर बुढ़ापे तक पहुँचेंगे इसी गारंटी क्या है कोरोना टाइम आया है ना कितने सिक्स पैक खोले थे कोरोना में मर लिए सिक्स पैक के साथ मरा वो ओ लो जी तो इसलिए कई ऐसे लोग थे जो बड़े लोग थे लुक वेरी हेल्दी थे वाज़ सपोज टू लिव लॉन्ग फॉर हंड्रेड ईयर्स बट दे डाई ड्यूरिंग कोरोना तो कब कौन मर ले कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता तो इसीलिए हम सोचे बुढ़ापे में जाएंगे बहुत बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे इसका कुछ पता नहीं मलेरिया से लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से मर जाते हैं एक बंदा था वो तो अपनी शादी में डांस करते करते मर गया दूल्हा था वो बहुत खुश था मेरी शादी तय हो गई मेरी शादी तय हो गई है। है। खुशी नहीं संभाल पाया वो So that way, they, कोई कैसे मरे कुछ नहीं पता कोई इतना खुश होकर मर सकता है अपनी शादी में दूल्हे साहब डांस करते करते मर लिए तो जी कब कौन कैसे मर जाए कुछ नहीं पता तो हम बुढ़ापे वेट नहीं कर सकते एनी थे बींग सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप एक ड्रीम लाइफ बिता सकते थे बट टेम्पल yeah. में ज्वाइन करने के बाद आप तो इधर कुछ कमाते भी नहीं मतलब नहीं। आपका तो इनकम नहीं है कोई सैलरी नहीं।, नहीं देता कई कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्मचारी इनको तो टेम्पल मतलब इनको तो सैलरी देते हैं लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है जीरो है इनकम तो कहीं ना कहीं आपको तो खटकता नहीं है वो चीज तो एक्चुअली प्रभु जी आपका थॉट्स क्या है एक्चुअली क्या आप मिस कर रहे हैं खटक रहा है आपको ना तो मैं इसको मिस कर रहा हूं ना मैं किसी मिस को मिस कर रहा हूं हूँ <laughs> Quite interesting yes. तो एक्चुअली uh, क्या लगता है कि ना जब पैसा होगा ना पैसा मतलब खुशी पैसे से खुशी होती है पर मैं कई ऐसे करोड़पति लोगों को जानता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है टॉप नॉच हाई प्रोफाइल जीनियस लोग और बहुत पैसा इनके पास दौलत शहरत पावर सब इनके पास जिसको हम मानते हैं कि वो खुशी है लेकिन एक्चुअली वो लोग खुश नहीं है मैंने इनके साथ काम किया बाबा इतनी ईगो भरी है इन लोगों के अंदर ओ माई गॉड मतलब दो लोगों की बातचीत के अंदर शो ऑफ और वो नकली पंथी इतनी ज़्यादा है वो माय गुडनेस मतलब ये लोग फीडबैक लेने के लिए तक तैयार नहीं होते और पॉलिटिक्स खेलना ये तो मतलब करना ही पड़ता है बिकॉज आई एम टू जस्टिफाई माई पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन तो इसलिए ये अंदर की कुछ काली बातें भी हैं जहाँ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है काम धाम कुछ होता है नहीं देखो ऊपर के लेवल पे ना काम धाम, धाम ज़्यादा कुछ होता नहीं नीचे के लेवल पर वाले सब लोग करते सब काम काम भी कर देंगे रिपोर्ट भी बना देंगे इसको सिर्फ रिपोर्ट को लेकर के फॉरवर्ड करना होता है सो मैनी टाइम्स ही जस्ट वेला मैनी टाइम्स तो इसीलिए आप लेकिन जस्टिफाई करना यार तो क्या करें अब फिर उसको खेल खेलने पड़ते हैं पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है सब काम करने पड़ते हैं उसको तो इसलिए एक तो वो है साथ में ईगो भी पूरी पूरी होती है पैसा भी पूरा पूरा होता है हेल्थ भी ख़राब हो रही है बिकॉज काम कर रहे हैं किए जा रहे किए जाने के हेल्थ भी खराब हो रही है डाइजेशन खराब हो रहा है बैठे 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 अपेंडिक्स भी हो गए बेचारे को अरे तो इसलिए बेजाने बल्कि बॉडी में एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या है सही से लोग बल्कि दिकांठन है चिल्ड्रन जैसे हम देखा ये आई की दुकानें खुली हुई हैं आजकल बच्चा नहीं हो रहा जी बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा नहीं हो रहा पशुओं के समाज में आई वी एफ कभी नहीं खुला वो हर गली में उनकी पूछताछ चल रही है जी लेकिन इंसान को लेकर आप देखोगे ना इंसान के बच्चे नहीं हो रहे और ये अभी भी शुरू आए पहले हो जाया करते थे हाँ जी इनके छः बच्चे हैं इनके पांच बच्चे हो जाया करते थे अभी ना सिलेंट्री लाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिलेंडर बैठे 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 उसी वजह से क्या हेल्थ भी खराब हो रही है आ, इवन फैमिली हो, पूरी हो नहीं पा रही है स्ट्रेस खूब है पूरा पूरा है तनाव है गोले खा रहे हैं रात को नींद नहीं आ रही है पड़ा है बंदा लेटा हुआ है आंखें खुली हैं उसकी क्या हो गया जी कुछ नहीं नींद नहीं आ रही ओ लो जी नींद नहीं आ रही सो इसीलिए मतलब एक बेसिक सुख भी नहीं है पैसा है बैंक अकाउंट के अंदर बहुत पैसा है बंदे के लेकिन वैसे बेचैन आत्माए और फिर सु फिर दुख को दूर करने के लिए दारू पीते हैं फिर पैसा है ना अच्छी क्वालिटी दारू पियेंगे हम तो इसलिए बढ़िया वाली दारू विदेशी वाली दारू वो फिर आ, चीर्ण, चीर्ण, तो जिसने भी अगर झंडे गाड़े भी हमको लगता है यार बंदे ने सफलता को झंडे गाड़ दिया भाई लेकिन उसी सफलता के झंडे के नीचे बैठे दारू पी रहा है वो क्या ये सफलता है जब वो सफल नहीं था तो देशी दारू पीता था लेकिन आज सफल हो गया आज विदेशी दारू पीता है यानी सफलता का मतलब है देसी दारू से विदेशी दारू का सफर वही सफलता है वाह ऐसी डेफिनेशन ऐसी खतरनाक डेफिनेशन तो इसलिए ये जो सफलता है ये नकली सफलता है तो मैंने जो अगर आपको लगे मैं पहले मैं बड़ा मैं कमा रहा होता ड्रीम लाइफ आई वॉज ऑलरेडी लिविंग अ ड्रीम लाइफ वेरी कोजी कंफर्टेबल लाइफ सक्सेसफुल लाइफ वंडरफुल पेरेंट्स रिस्पेक्ट ऑनर्स तो था एक्चुअली लेकिन मैं देखा लेकिन ये सब कुछ कितना खोखला है एक्चुअली इसके पीछे स्वार्थ है ईगो है एक्सप्लॉयटेशन है दैट्स वट्स द बेसिक नेचर इज ऑल अबाउट ऑफ दिस मोटिलिस्टिक लाइफ तो इसीलिए आज मेरे पास भले पैसा नहीं है नो बैंक अकाउंट और भाई अगर हम पैसा लेंगे तो हम ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे कर हम कर्मचारी कहलाएंगे कर सो so वी आर नॉट कर्मचारी वी आर ब्रह्मचारी तो आज हम पैसा नहीं लेते हैं तो इसका मतलब फिर तो हम खुश नहीं होंगे पर एक्चुअली ऐसा नहीं है आई केम टू बांग्लादेश और बांग्लादेश में आकर आई एम हैविंग सच फीस्ट दोपहर में आई हैड सच वंडरफुल प्रसाद भक्तों ने प्यार से इतनी आइटम लेकर के आए थे मेरे कहा नहीं बाबा बस माई बॉडी इज़ ग्रोइंग ओल्ड आई कॉन्ट टेक सो मच इतना पर आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर इतनी आइटम कोई सी ओ सी एफ ओ अपने घर में बना के दिखा दे दे कैनॉट सुबह सुबह चाय की चुस्की और वो सैंडविच वैंडविच खा खो के निकल जाते हैं फिर रूखा सूखा दोपहर में खा रहे होते हैं सो दैट फीज जितना आनंद एसटी यहाँ पर है उसमें कहीं भी नहीं और आप देखिए ना पैसा कमाने वाला भी सेम खा रहा है वो भी शाख मिष्टी दोई और संदेश अच्छा गरीब आदमी सेम ऐसा तो है नहीं कि मतलब अमीर आदमी का संदेश कुछ अलग होता है गरीब आदमी का संदेश कुछ अलग होता है इसका मिष्टी दोई कुछ अलग होता है इसका मिष्टी दोई कुछ अलग होता है इट इज ऑल सेम इवन सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ऑलमोस्ट ऑल सेम लेकिन पैसा वाले व्यक्ति में भ्रम होता है पैसा है मेरे पास पैसा है मेरे पास अच्छा तू क्या खाता है कड़ी चावल अच्छा गरीब आदमी क्या खाता है कड़ी चावल तू क्या बताया दूध चाय वो भी दूध चाय सेम सेम लेकिन अमीरी के साथ एक घमंड आता है हम पैसे वाले दैट्स इट तो एक घमंड और कुछ भी नहीं है तो इसीलिए वो नकली जीवन मैंने छोड़ दिया और आज मैं लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाता हूँ लोगों की लाइफ का चेंज होती है ऑफ कोर्स इज ऑल ऑल इट्स नॉट क्रेडिट गो टू मी बट एक्शुअली निस्वार्थ जीवन ही आनंद का जीवन है जब तक हम अपने भोग के लिए जीरे होते हैं उसमें आनंद नहीं है और मैं अगर शादी करता घर बसाता मेरे परिवार होते हैं पाँच लोगों का मैं मेरी बीवी मेरे तीन बच्चे लेकिन आज पूरा दुनिया मेरा परिवार है आज बांग्लादेश के परिवार से मिल आया हूँ ये मेरा परिवार है आई एम हेयर इन माई फैमिली

कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ हो गया था इसलिए आपने आप, नहीं तो ऐसा आप सभी देख रहे हैं कि कैसे यंग डैशिंग मतलब आप तो कमाल के हैं तो इन फीचरों में तो आपको मॉडलिंग करना चाहिए था या फिर एटलीस्ट कुछ कुछ तो मतलब रैंप वॉकिंग वगैरह लेकिन आप यहाँ पे ऐसे ब्रह्मचारी बन के बैठ गए मतलब प्रभु आर यू मिसिंग समवन इन योर लाइफ ऐसा नहीं कि मेरे में, में कि कभी लड़कियों के लिए आकर्षण नहीं रहा कि मैं तो मैं भगवान के धाम से आया हूँ मेरे में कोई आकर्षण नहीं रहा कभी लड़के के लिए प्लीज मैं बाल ब्रह्मचारी ऐसा तो नहीं रहा मुझको लड़कियां अच्छी लगती भी थी ड्यूरिंग कॉलेज डेज अगर कोई सुंदर लड़की थी सो so, ऐसा नहीं तो मैं कभी उसका मेरा, मेरा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर बिल्कुल जाया करता था जस्ट लाइक एनी ऑनडर ह्यूमन बीइंग सो आई ऑलसो यूज टू गेट अट्रैक्टेड टूअर्ड्स एनी ब्यूटिफुल लेकिन साथ साथ में एक बड़ी विशेष चीज हो रही थी मेरे साथ और वो ये था कि ना आई वॉज लाइक लव गुरु यू नो एम टीवी साइरस बरोचा माला और लोग चिट्ठिया बड़ा करते थे ओके फला फला बंदा फ्रॉम जयपुर लिख रहा है उसने सच्चा प्यार किया था लड़की से लेकिन वो उसको धोखा देकर भाग गया भाग क्या करने का आया उसी स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज कहीं जितने दिल टूटे हुए लोग हैं मेरे पास आया करते थे यार सच्चे प्यार को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता और लड़कियां आती थी वो बोलती थी वाई वाई मी यार बट बट आई लव्ड हिम आई लव्ड हिम सो सिंसियरली वाई दिस गाय डिश मी यार लड़कियां ऐसे क्यों थे यार क्यों मैं सोचता था ओह हो यार ओह हो ये भी धोखा खाए वो भी धोखी खा रही मैं कहा प्यार है क्या सो इवन दो आई हैड अट्रैक्शन फॉर गर्ल्स बट आई नेवर बींग मे नो बींग इन लव विद समवन बिकॉज आई कुड सी द नेचर ऑफ दिस लव ये है क्या फिर मैं आप फोर्स काउंसिल क्या करता था मैंने कहा लड़के होते हैं लड़के सब बदमाश होते हैं और दे जस्ट वॉन्ट बॉडी दे डू नॉट लव यू दे जस्ट लव बॉडी सेल्फिश यी सबके सब, सब जानवर ही हाँ तू बिल्कुल सही बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है तू और क्या नहीं तो छोड़ अपना पढ़ाई में ध्यान दे ऐसे कूड़े कर कर लोगों लड़कों में क्यों ध्यान देती तू इन आई आई काउंसिल बट सी यार दोनों ही सेल्फिश हैं एक्चुअली इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता सब खुद से प्यार करते हैं एक्चुअली सो दैट्स वाई थैंकफुली आई वॉज सेड फ्राम दिस क्योंकि ना लोग आकर के अपने दिल का हाथ सुनाते थे और मैं देख कर देखा होता था ये असलियत है क्या प्यार की बना तो इसीलिए फिर मैं कभी किसी एज सच नींग इन लव किसी को निहारना किसी से मिलना जुलना डेट पे जाना कार्निवाल्स मैकडोनल्ड टिक्की और कोका कोला ऑन द रॉक्स और फिर थोड़ा वो थोड़ा हम हम बने तुम बने एक दूजे के लिए ऐसा थैंकफुली कभी नहीं हुआ बिकॉज आई गुड सी द नेचर ऑफ दिस लव इट इज सो सेल्फिश एंड सो मच फुल ऑफ और बदलते भी रहते हैं एक नहीं कोई और सही कोई और नहीं कोई और सही वाह मैंने कहा वाह भाई वाह बड़ा सच्चा भैया है तो भाई सो आई कुड सी दैट सो इससे आई आई डिड नॉट फॉल फॉल इन दिस काइंड ऑफ लव सो आई अराइज़ इन लव आई डिड नॉट फॉल इन लव आई राइज इन लव बाई बी लव कृष्णा सो मैंने कहा ये है यार ये असली चीज है हमारे समय तो इसने मैंने कभी मैं इसको मिस नहीं किया नेवर एवर बिकॉज आई कुड सी द नेचर ऑफ दिस लव सो कॉल्ड लव बल्कि आज मैं स्वभाव जितनी लड़का लड़की है गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड है बल्कि उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं डून नॉट बी डो नॉट रिमेन लाइक गर्ल फ्रेंड एंड गेट मैरिड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग ना विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्यार जाते हैं तो इसलिए वो हमें नहीं करना चाहिए विश टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल एंड देन लिव डू भक्ति इन ग्रेस लाइफ दैट्स परफेक्टली फाइन पर लफंटरबाजी है ना घूमना फिर ये वो नैन नैन लड़ जाइ हैं तो मनवामा कसक हो करी हाँ ये सब जो है ना ऐप ड्रामा है और इससे छलावा है धोखा है और धोखा हम खुद को दे रहे होते हैं अल्टीमेटली सो so, इसलिए ये मेरी सभी यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी लड़का लड़की आजकल हैं जो बाहें उम -बाहे डाल करके आज घूम रहे हैं और <laughs> ए सब चोचलेबाजी सो प्लीज ग्रो अप माई डियर फ्रेंड्स

एक और सवाल इधर आ गया है तो मेरा सवाल यह है अगर आप सभी गूगल में विकीपीडिया में सर्च कर चुके हैं तो यह पता चल जाएगा कि प्रभु एक बहुत ही अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं उनके पिताश्री उनके माताश्री बहुत ही अच्छे हैं लेकिन एक और ट्विस्ट है प्रभु के पिताश्री रो में जॉब करते थे सो रो एजेंट सो so, सबको पता है कि रो एजेंट्स कैसे होते हैं सुपर मतलब उनके दिमाग सुपर कंप्यूटर है सो so, वहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है इनको कि क्या चल रहा है एक्चुअली मतलब शत्रु पक्ष जो एनिमी है क्या थिंकिंग चल रहा है क्या स्ट्रैटेजी है क्या होने को है प्रभु जी ऐसे मतलब खोद खोद के निकालते हैं क्या प्रॉब्लम्स है यूथ्स में मतलब यूथ में ये ये चल रहा है हाँ इंटरनेट देख के ये ये ट्रैप में फंसेगा या फंसेगी या तो हाँ ये चल सकता है अरे 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 ये 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 सो so, सारे जो पोटेंशियल रिस्क हैं उसके बारे में प्रभु ऑटोमेटिकली आज जो छह महीने बाद किसी यूथ अगर पड़ेगा उसमें ट्रैप होगा प्रभु जी आज उनको पता लग जाता है कैसे ऐसे मेरे फादर जो सही अफोज ही वॉज रॉ ऑफिसर अब तो चाहे रिटायर्ड हो चुके जाएगा तो 12 12 से पंद्रह साल हो गए उनको रिटायर हुए हुए लेकिन वो जो रॉ ऑफिसर जब वो थे तो ही वॉज नॉट रियली रॉ एजेंट बट ही टू रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड देन लाइक दैट बट बट अदर वैसे तो मेरे फादर हैं ही इज़ वेरी सिंपली वेरी बहुत काम कम्पोस्ट काइंड ऑफन ऑल द वेरी इंटेलिजेंट बट एट द सेम टाइम ही इज वेरी काम कम्पोज वेरी एकदम साधु स्वभाव वाले हैं तो मैंने वो जो थोड़ा मेरा अंदर जो साधु स्वभाव है वो कहीं ना कहीं मैंने अपने फादर से मैंने लिया होगा पर यह रॉ वाला है हिसाब किताब मेरा वो तो इतना आया नहीं ऑफकोर्स पर ये तो मैं देख पाता हूँ कि ना आज का यूथ किन चीज़ों में फंसा हुआ है किन चीजों से संघर्ष करता है इसका मुझे कैसे पता चलता है कुछ चीजें तो वाकई में मेरे भी संघर्ष में रही ड्यूरिंग माई अर्ली यंग एज मैं भी उससे संघर्ष करता था और मैं स्ट्रगल करता था फिर तो मैं अपने सीनियर से पास जाता था मैं पूछता था कि प्रभु जी महाराज जी बताइए कैसे निकले इससे वाला सो दे टू गिव मी सोल्यूशन और वो सोल्यूशन काम भी करते थे तो मैं देखता था अरे यार ये सोल्यूशन है इस बात का सो द चैलेंजेस समजेस वेर इन माई लाइफ ऑल्सो ऐसे नहीं मेरी लाइफ में कभी कोई रहे नहीं इट हैज ऑलवेज बीन अ लिबरेटेड स्टेट नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सो so, मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस थे और मैंने उनको ओवरकम किया बाय टेकिंग गाइडेंस ऑफ तो द रिबोटीज साथ साथ में क्या है मुझको कई चीजें पता लगती हैं फ्रॉम यंगस्टर्स जो आखिर हार्ट शेयर करते हैं प्रभु जी हमें कुछ शेयर करना है और वो जो हार्ड शेयर करते हैं, तो मुझे पता लगता है अच्छा ये नहीं है ऐसा हो रहा है ओके okay? और मेरी पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है वेदर कमिंग टू बांग्लादेश और इंडिया ऑल्सो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया तो इतना लोगों से इंटरेक्शन है सो ऑल काइंड ऑफ डाइवर्स प्रॉब्लम्स ये सुनने का मुझे मौका मिलता है और उन प्रॉब्लम से मैं सीखता हूं कि ओह अच्छा ये प्रॉब्लम भी इस तरह से होती है एंड समटाइम्स आई डू हैव डिस्कशन विद माय फ्रेंड्स ऑल्सो हुआ वेरी क्वालिफाइड काउंसलर्स कि आजकल ऐसी ऐसी ये प्रॉब्लम चल रही है आजकल ये जैसे होमो अगर कोई चल रही हो या अगर लेजबिन वाली चीज़ चल रही हो आजकल ऐसे आजकल लिक्विड सेक्शुअलिटी भी आई हुई है मीन समटाइम्स यू फील मेल समाइम्स यू फील फीमेल ये नई चीज़ है

ट ही सो लाइव पॉन प्रोस्टिट्यूट एंड देन वो उसके मन में छप गया अरे तो भाई तो एकदम लाइव तो इसलिए हमारा हम भी अजामिल आजा, ही है लेकिन हमारा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हमारा वाला अजामिलो तो ऐसी केस स्टडीज भी देखने का जब सुनने का मौका मिलता है ना उससे कुछ सीख सीखने को मिलता है कि हाउ डज दिस ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क

था, अरे थैंक व्हाट अ सॉल्यूशन बट एक्चुअली सॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय कृष्णा सो सो वी सी द एग्जाम्पल्स कृष्णा विद लाइक माइंडेड इक्वल मेच्योर डिबोटीज हियरिंग फ्रॉम दोस्त जिनका दुख दर्द वैसे इतना ज्यादा है उसे पता लगता है सो इन दिस वे वी कम टू नो अबाउट सो मे डाइ डाइवर्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस इन अर प्लेस मीटिंग सो मनी काइंड ऑफ पीपल तो इनसे फिर पता लगता है कि ओके ये सारा हिसाब किताब चलता कैसे एंड इसके क्या क्या हो सकते हैं सो इन दिस वे आई एम एबल टू डू दैट सो अल्टीमेटली इट इज मर्सी ऑफ कृष्णा इट इज नॉट अबाउट इज वेरी इंटेलिजेंट यू नो इट इज नॉट अबाउट माई इंटेलिजेंस इट इज मर्सी इट इज कृपा ऑफ श्री कृष्ण एंड इज प्योर से प्रभु जी एक सवाल काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि वैसे ही तो सनातन धर्म का जो जनसंख्या है वो घटते ही जा रहा है नए बच्चे कुछ हैं उ, उनमें अगर आप ब्रह्मचारी कर दे रहे हैं अगर कुछ परसेंटेज भी आ रहे हैं तो जो पॉपुलेशन का जो फ्लो है सनातन धर्म का वो तो घटता ही चला जाएगा प्रभु देखिए ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी के बच्चे नहीं होते ब्रह्मचारी के बहुत सारे बच्चे होते हैं मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं मेरे बच्चे और मेरे ज़्यादातर बच्चे जो है मैं उनको जन्म देता हूँ यूट्यूब के माध्यम से तो मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सो ऐसे नहीं ब्रह्मचारी के बच्चे नहीं होते स्पिरिचुअल बच्चे जो होते हैं वो फिजिकल यूनियन से नहीं आते स्पिरिचुअल बच्चे जो है वो बस आ जाते हैं ऐसे गुरु से शिष्य जब आता है वो ऐसी बेटा ही है ऐसे स्पिरिचुअल बेटा सो so, स्पिरिचुअल बेटी आ, ब्रह्मा जी आए तो महाविष्णु सॉरी गर्भदक्ष विष्णु की के कमल से आ गए तो अगेन दिस इज स्पिरिचुअल सन जिस तरह से ब्रह्मचारी और प्रीचर्स वी डो डू प्रीचिंग एक्चुअली जो लोग हमारे से जुड़ते हैं भक्त बनते हैं कहीं ना कहीं हमें टीचर के रूप में देखते हैं सो वी आर एक्टिंग लाइक फादर्स तो इसलिए हम बोले ब्रह्मचारी के तो बच्चे होते हैं नहीं जी अब ब्रह्मचारी के भी बच्चे होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं हाँ बायोलॉजिकली बच्चे नहीं होते उसके लेकिन स्पिरिचुअल वाले तो बहुत सारे बच्चे उसके होते हैं तो गृहस्थ आश्रम वो क्या करता है बायोलॉजिकली बच्चों को जन्म देता है और इस तरह से बच्चे आते हैं लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है वो बायोलॉजिकल जन्म दे रहे हैं और जो साधु लोग हैं सन्यासी हैं ब्रह्मचारी इत्यादि हैं ये उसको फिर स्पिरिचुअल जन्म देते हैं तो इस प्रकार से इट्स अ वेंचर बिटवीन द ब्रह्मचारी कि ओके आप इनको शरीर वाला जन्म दीजिए हम इनको भगवान की भक्ति वाला जन्म देंगे सो इट्स अ वेंचर सो बोथ आर रिक्वायर्ड एक्चुअली और जो ब्रह्मचारी हैं समवेयर दे आर गिविंग स्पिरिचुअल एजुकेशन तो इसलिए सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना चलो गृहस्थ बने और बच्चे पैदा करें तो होगा लेकिन फिर ये बेचारे फिर टिकते भी नहीं है कोई कुछ तो नास्तिक हो गए कुछ कन्वर्ट हो गए लेकिन जब ब्रह्मचारी सन्यासी इत्यादि आते हैं वो स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं तो जो हमने धर्म के हैं हमने धर्म के रह पाते हैं एक्चुअली अब ये अगर हमारे बीच से अगर साधु लोग चले जाएं इंस्पिरेशन देने को प्रेरणा है नहीं तो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद तो इसीलिए बच, बच्चे पैदा करना जरूरी है साथ साथ में उनको फिर स्पिरिचुअल एजुकेशन दे करके पक्का करना ये काम फिर साधु का काम है तो इसलिए बोथ आर रिक्वायर्ड सो थैंक यू वेरी मच प्रभु बट एग्जैक्टली इस क्या सभी को ब्रह्मचारी बनने के ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसी वो प्रैक्टिकल भी नहीं है हर रीति अपना अपना स्वभाव होता है

ये भी दुखी रहे अरे भाई कहां फंसा दिया मेरे को यार रोज सेम कलर का कपड़ा पहनना पड़ता है रोजे भाई कभी तो ग्रीन पहने कभी ब्लू पहने कभी पिंक पहने क्या करिए बाल उड़ा दिए मेरा अरे यार मेरा बाल था मैं थोड़ा कंगी मारता था कभी ऐसे तेरे नाम वाला करता था कभी ऐसे करता था ओहो क्या यार तो इसलिए ना अगर किसी गृहस्थी का स्वभाव है तो उसको गृहस्थ में जाना चाहिए एक्चुअली गृहस्थ स्वभाव में आता है ही हैज गॉट मोर डिज़ायर्स uh, उसकी इच्छाएँ होती हैं और बड़ी स्ट्रांग डिजायर्स होती हैं ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर ना एक बहुत ही सरल व्यक्ति के लिए तो जन्नत है ब्रह्मचारी आश्रम चटाई पे सो जाना चटाई का मतलब कहीं भी सो जाना थका हुआ है उसकी बाजू उसका सराना है जमीन उसका बिस्तरा है आसमान उसकी छत है और इन दिस वे ब्रह्मचारी इज़ वेरी हैप्पी विद डैट पर ऐसा व्यक्ति जो बहुत एम्बिशियस है उस व्यक्ति के लिए ब्रह्मचारी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल है मैं करके आ रहा हूँ यहाँ पर यार व्हाट इज दिस कमरे में एक सोफा तक नहीं है यार क्या है तो हर व्यक्ति अपनी अपनी एक नीड है ऐसे गृहस्थ एक एक, 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 एक साइकोलॉजिकल नीड मैं जब घर पहुंचूं तो कोई मुझसे पूछे और जी दिन कैसा बीता ऑफिस में क्या क्या हुआ चाय हम्म पकोड़े बना दूं और इससे ना उसको बड़ा अच्छा है हाँ ले आओ दिन अच्छा रहा इट्स अ साइकोलॉजिकल नीड तो इसलिए अगर किसी की ऐसी नीड है ना उसको जबरदस्ती हम सोचे इस वाले इसको ब्रह्मचारी बना देंगे नहीं बना बना पाएंगे एक्चुअली तो इसलिए हमारा काम जो है वो है कृष्ण भक्ति देना इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्रह्मचारी कॉन्शियसनेस और गृहस्था कॉन्शियसनेस वो तो भाई अपने स्वभाव के अनुसार दैट यू कैन चूज बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस एज पर योर नेचर यू चूज अ आश्रम इसलिए दैट वेरी इंपॉर्टेंट तो इसलिए इसको किसी पर्टिकुलर आश्रम को प्रमोट नहीं करता इसको कृष्ण भक्ति को भगवान श्री कृष्ण के नाम को उनकी शिक्षाओं को हाईलाइट करता है सो दैट बट पीपल चूज एश्रम एस पर जैसा उनका नेचर होता है वो उसको स्वीकार करते हैं एंड देन वी एक्सेप्ट बोथ विध इक्वल लव ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मचारी हमें बड़े प्रिय है गृहस्थ दूरहट जो अस्त व्यस्त त्रस्त चारों खाने पस्त क्योंकि वो गृहस्थ था ऐसा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सो वी ऑल लिव टुगेदर जस्ट लाइक अ फैमिली जस्ट लाइक हेयर वी हैव श्रोण के शपू ही इज माय फ्रेंड सो दैट मीज वी कैन हैव फ्रेंडशिप गृहस्थाज ब्रह्मचारीज एंड वी ऑल लिव लाइक वन फैमिली एक्चुअली तो इसलिए कोई ऐसा फेवरेटिज्म नहीं है देर इज नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इनप्योरिटी कॉम्प्लेक्स नो वी लिव लाइक फैमिली यू चूज योर आश्रम एज पर योर नेचर बट इंपॉर्टेंट थिंग इज भक्ति कृष्ण भक्ति प्योर भक्ति बोल लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं उनके तो कोई बच्चे नहीं हुए उनका तो संसार बड़ा नहीं हाँ संसार तो हमारा स्पिरिचुअल संसार लेकिन जो जो अपना खून के रिश्ते जो बच्चे वाला फीलिंग है वो तो मतलब कहीं ना कहीं तो मिसिंग है वो तो प्रभु जी फ्यूचर लाइफ में और और जब आप बुढ़े होंगे या फिर ब्रह्मचारी जब बुढ़ापा उनको आता है तो प्रभु जी कैसे वो सिचुएशन डील डील किया जाता है देखिए पहले बात तो हमें समझने की इट इज नॉट दैट कि हमारे रिश्तेदार हमें बचाते हैं या वो हमें पालते हैं कृष्ण पालते हैं ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण पालने वाले वास्तव में इवन गृहस्थ के जीवन में भी अगर उसको पालने वाले हैं तो उसके बच्चे अगर हैं तो अल्टीमेटली भगवान की कृपा से हैं मैं तो ऐसे गृहस्थों जानता हूँ तीन तीन लड़के हैं उनके एक लड़का है ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का यूके में एक लड़का यूएसए में और माता पिता यहाँ अकेले रहते हैं वो बेचारे टेढ़े मेढ़े होकर जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं खरीदारी कर रहे हैं है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्योंकि जॉब कहाँ पर है जॉब्स हैं दिल्ली में इंडिया का अगर मैं केस खेसूँ अगर तो दिल्ली में है मुंबई में है कैलकटा में है हैदराबाद में है बैंगलोर में है दैट्स अच्छा। इट लड़की ने कहा डार्लिंग वी नीड सम प्राइवेसी यू नो घर में ये बूढ़े लोग घूमते बैठते हैं वी वी नीड टू एंजॉय लाइफ और ऐसे बूढ़े लोग आते जाएंगे तो फिर हम इन्जॉय कैसे करेंगे ओके सैन्य मैं कुछ करता हूँ अलग ले लेगा या इनको वृद्धाशन भेज देगा समथिंग लाइक दैट तो इसलिए हम सोचें कि भाई ये बच्चे आकर के बच्चे बड़े माता पिता की सेवा करते हैं एक्चुअली दुनिया में पाँच परसेंट होंगे जो लोग माता पिता की वाकई में सेवा कर पाते हैं अदरवाइज पीपल आर ट्रैवलिंग हेयर देयर आना जाना जॉब्स आर सॉट डिमांडिंग जॉब्स बारह बारह घंटे की जॉब्स हैं क्या करें पिताजी बोले पिताजी बोले बेटा मुझे तेरी आ रही थी बेटा आ जा बेटा बेटा बोलेगा पिताजी एक्चुअली मेरी जॉब है ना बहुत डिमांडिंग जॉब है तो बारह घंटे मुझे पूरे करने पड़ेंगे पापा तो इसे ना आप थोड़ा आप कुछ करिए अपना टाइम पास करिए मैं मैं शाम को आता हूँ शाम से पहले तो वो भी नहीं मिल पाएगा तो इसलिए हम सोचे गृहस्थ को वो सहारा नहीं ऐसा नहीं कि वो कि उनको सहारा हो ही जाएगा हो भी सकता है बिल्कुल हो सकता है अच्छा ब्रह्मचारी का फिर क्या सोचे भाई बेचारे का बुढ़ापे में क्या होगा पालने वाला कौन कृष्णा और ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर हम सब एक दूसरे को सहारा देते हैं जहरा सीनियर ब्रह्मचारी जरा मिडिल ब्रह्मचारी जरा जूनियर ब्रह्मचारी एज वेल तो जूनियर जो होते हैं अक्सर सीनियर की सेवा कर रहे होते हैं सीनियर अपने सीनियर की सेवा कर रहे होते हैं इस तरह से धीरे धीरे हिरारकी हैं दी इज़ बिग फैमिली हम एक बड़े परिवार के रूप में रहते हैं ऐसे अभी मैं जब बांग्लादेश आया तो दो ब्रह्मचारी इसको अभी ऑपरेशन हुआ है एक का हो रहा है उसकी किडनी में स्टोन है सो यू गोट एडमिटेड एक का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और उसकी सेवा करने के लिए दो दो तीन तीन ब्रह्मचारी बैठे हुए वहाँ हॉस्पिटल के अंदर एक जाता है दूसरा आता है दूसरा आता है तीसरा जाता है तो इस प्रकार से उसके लिए सूप बना के लेकर के आ रहे हैं उसके लिए प्रसाद भी आ रहे हैं उसके लिए गृहस्थी बना करके लेके आ रहे हैं कि प्रभु जी बीमार हैं हमारे लिए उसके लिए हम लिए प्रसाद वो प्रसाद अच्छा उनका इलाज इलाज का पैसा इलाज का पैसा कुछ मंदिर से भी हो गया बाकी कुछ किसी गृहस्थ ने दे दिया कि प्रभु जी हमारा काम है साधुओं की सेवा करना बताओ जी इनका ऑपरेशन हुआ कितना पैसा लगा करीब नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ लग गया ठीक फिफ्टी परसेंट तो मेरी तरह से हो गया तो एक भक्त ने कर दिया 50 था परसेंट कर दिया किसी कभी किसी ने थोड़ा कर दिया बाकी मंदिर से हो गया हो जाता है हमारे यहां इस कॉन के अंदर सो मेनी सीन ब्रह्मचारीज नाउ नाउडेज तो इसलिए पालने वाला अल्टीमेटली है कौन कृष्णा ये विश्वास होना चाहिए अगर ये विश्वास नहीं है कृष्ण पालने वाले नहीं है तो फिर तो फिर ब्रह्मचारी बेचारा कैसा होगा फिर तो उसको तो कर्मचारी बनना पड़ेगा सो वन शुड हैव दिस फेथ कृष्णा मेंटेन्स हाथी है हाथी रोज पचास किलो खाता है कौन खिलाता है उसको बहुत खिलाते हैं उसकी वाइफ वो भी पचास किलो खाते हैं इक्वल राइट्स हम समान अधिकार हमें पचास किलो खाएंगे कहते हैं ठीक है माता जी आप पचास किलो खा लो आज अच्छा आपके चिगलू पिकलू ये चार भी बच्चे हैं वो कहते ये पच्चीस पच्चीस किलो खाते हैं अभी कहते हैं अच्छा पच्चीस 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 पचास पचास दो सौ किलो हर रोज़ की डाइट है इनकी दो सौ किलो की अच्छा तो हाथी जी आपने फिर एम बी ए किया क्या किसी इंस्टीट्यूट से क्योंकि आपको तो रोज़ दो सौ किलो खाना है आपने एम बी किया होगा ना उसने तो नर्सरी भी नहीं की हाथी ने तो लेकिन वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा पल रहा है तो चींटी को कड़ भर देता है हाथी को मन भर देता है वो दया निधि सबकी सुधि लेता है तो चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो सबको पालने वाला है. जब भगवान नास्तिक को पाल रहे हैं भक्त को नहीं पालेंगे नास्तिक भाई नास्तिक तो भगवान को नहीं मानता अच्छा उसको कौन पाल रहा है भगवान पाल रहे हैं है. हाथी को तो बोध ही नहीं है कि आस्तिक नास्तिक उसको कौन पाल रहा है भगवान पाल रहे हैं है. अच्छा भगवान नास्तिक को ही पालेंगे हाथी को ही पालेंगे और भक्त को भूखा मार देंगे ऐसा क्या नहीं इतिहास गवाह है भगवान का भक्त भग भी नहीं सोया उसने एकादशी का व्रत रखा तो बात और है लेकिन अदरवाइज भगवान का भक्त भग भी नहीं सोता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंदोबस्त होता है कैसे होता है ये प्रभु जानते हैं लेकिन होता है ये तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है दैट वी नेवर सिर्फ आज कुछ खाने को नहीं है पापी पेट कोई है ही नहीं काश मेरा भी बच्चा होता वो मुझे बोलता पापा कुछ खाओगे क्या पापा नेवर इट इज़ ऑलवेज मोर प्रसाद आई एम गिविंग भाई ले लो यार इतना प्रसाद मैं नहीं पापा ले लो भाई

पहले ये बताएगा और इनको जो प्रिच करते हैं वो प्रिचर्स के लिए भी आपका क्या मैसेज है तो तो मेरा एक मैसेज रहेगा के लिए सी देखिए ना यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की लीडरशिप बहुत चाहिए वी आर सपोज टू बी द लीडर्स और इसलिए वो स्पिरिचुअल लीडरशिप को का फ्लैग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे ना

आज इंडिया की रैंकिंग है हंड्रेड एंड नाइनटीन या फिर ये सब कॉन्टिनेंट है जैसे कि तो हम यहाँ अब यहाँ बांग्लादेश की रैंकिंग है हंड्रेड एंड फिफ्टीन और ट्वेंटी और समथिंग लाइक दैट पर हम देख रहे हैं कि ना ये रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में इतनी नीचे की रैंकिंग हमारी क्यों आ रही है इसका कारण ये है दैट तो वी आर गिविंग अप आर स्पिरिचुअल कल्चर तो इसलिए अपने स्पिरिचुअल कल्चर को रिवाइव करेंगे दैन वी कैन बी हैप्पी सेकेंडली स्पिरिचुअल कल्चर को ले ला करके वी वी आर हैप्पी बट वी वुड स्प्रेड हैप्पीनेस हम दुखी होते हैं तो हम दुख बांटते हैं हम जो खुश होते हैं तो खुशियां बांटते हैं तो इसलिए हम भला कैसे खुश होंगे हम ऐसे ही खुश होंगे आप देखिए दुनिया के अंदर मटीरियलिस्टिक पीपल दे कमिट सुसाइड बट दर इज नॉट इवन अ सिंगल एग्जाम्पल दैट अ स्पिरिचुअलिस्ट कमिटेड सुसाइड नॉट इवन अ सिंगल एग्जाम्पल तो कौन सुखी है फिर स्पिरिचुअलिस्ट और मटीरियलिस्ट ऑबसली स्पिरिचुअलिस्ट आर हैप्पियर तो इसीलिए हमें आ, अगर वास्तविक में आनंद में जीवन चाहिए तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ स्पिरिचुअल लाइफ गिव्स अस दैट ब्लिस दैट जॉय तो इसीलिए स्परिचुअल कल्चर को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए इसको प्रियोरिटी देनी हमें लेकिन वे लोग बोलते हैं टाइम नहीं होता जी वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस यू नो पर हर वो चीज़ जो आपकी जीयरिटी में है विल हैव टाइम जैसे वेलेंटाइंस डे के दिन ना गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकल आता है भले बंदा कितना बिजी हो पर वो टाइम निकालते हैं अरे यार किसी से मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है मेरे को मिलने का मेरी सैन्यिटा के साथ तो टाइम निकालता है वो बिकॉज शी इज़ प्रियोरिटी सिमिलरली स्पिरिचुअल लाइफ अगर आप प्रियोरिटी में लेकर के आएंगे आप उसके लिए समय निकाल पाएंगे सो एनीथिंग विच इज इन प्रियोरिटी विल हैव टाइम सो देर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट इट इज ऑल प्रियोरिटी मैनेजमेंट एनीथिंग विच एज प्रियोरिटी विल हैव टाइम जो इसको टाइम दीजिए और ये करके यू वुड बी ग्रूमिंग योर सेल्फ एंड बाय हेल्पिंग आर सेल्फ वी हेल्प अदर्स तो इसलिए आप खुद पर इस तरह से कार्य करिए एंड अगेन ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है स्पेशली गेटिंग दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ और अच्छे से फायदा उठाइए और खुद का जीवन भी सफल बनाइए और जीवन भी सफल बनाइए प्रभु थैंक यू ग्रेटफुल थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण थैंक यूक यू थैंक यूटिंग मी मेरा सौभाग्य था मैं यहाँ पर आया थैंक यूक यू दिस इज वेरी ग्लोरी सो